ने की वकालत करता है। सिद्धांत नगर के नौजवानों ने अब संकल्प लिया है कि मस्जिदों की मीनारों पर सिर्फ कैसरिया ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सिद्धांत नगर के नौजवानों ने परम पूज्य महाराष्ट्री के श्रीचरणों में आज संकल्प लेंगे कि सिद्धांत नगर का नौजवान जब तक तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक सिद्धांत नगर की हर मस्जिदों की मीनारों से अल्लाह अकबर की जगह पर हर हर महादेव का जयघोष नहीं करा देता है तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जिस दिन ये देश, जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, उस दिन इस देश में मुसलमानों की स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर मंदिरों में, धर्मशालाओं में, मठों में भेड़ और बकरियां बांधी जा रही हैं, सुअर पालन खोला जाएगा, सुअर पालन खोला जाएगा। और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उससे वो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, और जब मुसलमान वोट देने का अधिकार मुसलमान से छीन लिया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता धर्मनिरपेक्षता का नकली लबादा ओढ़ करके हिंदू समाज को गुमराह करने वाला कोई भी राजनेता हिंदुओं को गुमराह नहीं कर पाएगा। हिंदुओं के सैन्यकरण के इस सिद्धांत को योगी आदित्यनाथ अमली जामा पहना रहे हैं। आज इस क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के लोग खुलेआम हथियार लेकर दहशत फैलाते देखे जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शरद सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आप तो इंटर में पढ़ते हैं, तलवार किस लिए लिए हैं? मेरे देश के ऊपर आक्रमण होगा तो उसके लिए वध करने के लिए कुछ आतंकवादी चाहे जो भी। चिंतन जो इस स्थान से आया है उज्बेकिस्तान से आया है, मैं बहुत साफ बता दूं मित्रों, वो अपने देश का नहीं हुआ। वो मुसलमान जिनका इतिहास इतना गंदा है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बंधु बांधव का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, अपने पहनोई का नहीं हुआ, अपने नाना दादा दादी अपने रिश्तेदारों अपने नातेदारों का नहीं हुआ, हिंदू समाज के लोगों वो आपका कभी नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि तुम की माँ बहन और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी सच्चाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है मित्रों, और यह कर सकती है आज के अवसर पर केवल इतना निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बात तो बहुत सी थी, अवसर नहीं है, समय नहीं है, फिर आपके बीच में